एकदम बेहुदा वाला काम है, और ये बेहुदगी उन्होंने दर्शा दिया। क्या इस वोट बैंक से सात पार्टियों के गठबंधन को बिहार में फायदा हो जाएगा? तो दूसरे का तो विकेट गिर गया, अभी तीसरे जो हैं इनके विकेट पर भी तलवार लटक गई है। जितना भाजपा के मंत्री परेशान थे नीतीश कुमार के दबाव की वजह से, इनके ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस की वजह से, हर मंत्री परेशान था, वही परेशानी अब ये हो रहा है आरजेडी के लोगों को। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नई सरकार यानी राजद और जदयू की सरकार जब से बनी है तब से दो मंत्री हटाए जा चुके हैं। जगदानंद सिंह ऑलरेडी इस्तीफे के कगार पर थे, वापसी कराई गई है, यानी सरकार बनने के साथ तेजस्वी यादव को अभी तक कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ये टेम्परेरी फायदा सिर्फ डिप्टी सीएम की कुर्सी वाली, उसके अलावे तेजस्वी के विधायक, तेजस्वी के मंत्री लगातार नाराज चल रहे हैं। सुधाकर सिंह को बाहर किया गया, सुधाकर सिंह की सदस्यता खत्म होने के कगार पर है। कार्तिक मास्टर को हटाया गया, और अब एक बार फिर से खबर है कि विवादित मंत्री यानी विवादों में घिरे रहने वाले सरकार के शिक्षा मंत्री का विकेट गिरना तय है। जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से कि आखिर इस मामूली विवाद की वजह से नीतीश मंत्रालय से हटा देंगे। नहीं, नीतीश कुमार हटाएंगे नहीं, लेकिन बात तो करने की बात उन्होंने कही है, और सुधाकर सिंह ने भी ये जो मंत्री जी हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी कह दिया है हम भी समझा देंगे। और समझने समझाने के बीच जदयू एकाएक अग्रेसिव हो गई। शीला मंडल के बयान के बाद निखिल मंडल जब आए तो निखिल मंडल ने तो अपने बयान में स्पष्ट ही कर दिया कि गठबंधन धर्म के खिलाफ भी है इनका बयान, और इससे नुकसान भी व्यापक स्तर पर जदयू को होना तय है। एक एक सवाल और भी रहेगा, पिछले दिनों ऐसा ही कुछ बयान सामने आया था, हम लोगों ने विश्लेषण करके बताया था कि इस बयान की वजह से नीतीश को नुकसान होगा, इसलिए कि नीतीश पीएम कैंडिडेट है और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक लेकर पीएम नहीं बनेंगे। यहाँ एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं एक जिम्मेवार पत्रकार के तौर पर कि ठीक है, शिक्षा मंत्री जी ने रामचरितमानस पर एक बड़ा ही भ्रंशित सा बयान दे दिया है, बुरा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इस प्रदेश का मुसलमान खुश होकर वोट कर देगा उनको। सिर्फ मुसलमान के वोट से जीत जाएगा? नहीं, मुसलमान क्यों वोट करेगा भाई? आप पैगंबर के खिलाफ बोलिए तो मैं क्यों वोट करूंगा? मैं बहुत खुश हो जाऊंगा क्या पैगंबर के खिलाफ आपने बोल दिया है? किसी मुसलमान के धार्मिक भावनाओं को आहत कीजिएगा तो मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? ये तो मेरे धर्म में नहीं सिखाया गया है। और अगर मेरे धर्म के किसी देवी देवता को या किसी उपन्यास के बारे में कोई ऐसी ओछी बात करेगा तो मुसलमान कैसे खुश हो जाएंगे? अरे इक्का दुक्का खुश होंगे ना, 10%, 20%, 30%, 30% से ज्यादा लोग नहीं खुश होंगे। अगर वो खुश होकर वोट भी देते हैं, एक तो एक मुट्ठी भर जनसंख्या जी, उसमें भी आप चार दाना पांच दाना निकालने की बात कर रहे हैं। क्या इस वोट बैंक से सात पार्टियों के गठबंधन को बिहार में फायदा हो जाएगा? नहीं होगा, नुकसान ही होगा। भाजपा को फायदा होगा, भाजपा को पूरा फायदा होगा। भाजपा तो मुझे लगता है कभी कभी कैसे बयान जान के दिलवाती है, भाजपा चाहती है कि ऐसा बोलते रहे लोग। भाजपा बकायदा बोलती होगी कि यार आप काहे नहीं बोल रहे, बोल दीजिए ना, कुछ ले दे के बोल दीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार के मौजूदा मंत्रिमंडल में इतने नवरत्न थे कि दो चार गो ऊपर के हीरा मोती को हटा देने के बावजूद भी अभी भरे हुए हैं नवरत्न। अरे नीतीश कुमार ने बनाया कानून मंत्री जिसको, उसको अगले दिन गिरफ्तार करने का आदेश निकल गया था, उधर ले रहे शपथ, उधर कानून मंत्री का गिरफ्तारी फिल्म वाला हो गया था। शिक्षा मंत्री अनपढ़ जैसा बयान देते हैं जी, कभी राइफल का इनका खबर आता है, कभी कुछ खबर आता है, इनपे भी कम विवाद नहीं है जी। कृषि मंत्री अपने आप को चोरों का सरदार घोषित कर देते हैं, तो दूसरे का तो विकेट गिर गया, अभी तीसरे जो हैं इनके विकेट पर भी तलवार लटक गई है। जिस दिन ने बयान दिया था और जिस तरीके से भाजपा इसको कैप्चर कर ली, आपको क्या लगता है कि ठीक है मुसलमान खुश नहीं होंगे लेकिन हिंदू दुखी तो होंगे ना? और जो हिंदू दुखी होंगे उसमें केवल मैंने सवर्ण तो नहीं होंगे भाजपा, रामचरितमानस तो बिहार देश के हर हिंदू घर के में रखा रहता है, पढ़ता है लोग, अगर उसको कोई गलत बोल देगा, राम पर सवाल खड़े करेगा, तो भाजपा को तो बैठे बैठे फायदा मिल जाएगा। भाजपा इसके अलावा भी पूरे बिहार पूरे देश में जुलूस प्रदर्शन कर सकती है, भाजपा को बहुत बढ़िया मौका मिल गया है। कर रही है भाई, भाजपा इसका पूरा फायदा उठा रही है। और नीतीश कुमार की बेचैनी ये लग रही है नीतीश कुमार को कि फिर पुलवामा वाला हल कर देगा 24 में। नीतीश कुमार वैसे ही बहुत डरे हुए हैं और कभी भी पलटी मार सकते हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति उत्पन्न कराई गई है बिहार में, एक तो सुधाकर सिंह ने दबाव बनाकर जो नीतीश कुमार को इतना परेशान कर दिया अंदर से जी, कि उनकी परेशानी इतनी बड़ी हुई है कि
आप समझ नहीं सकते हैं कि नीतीश कुमार केवल सुधाकर सिंह के बयान से परेशान होकर नीतीश तेजस्वी को अवॉइड कर रहे हैं, तेजस्वी से दूर भाग रहे हैं। तेजस्वी यादव को जब तक सुधाकर सिंह का वो विकेट नहीं गिराएंगे, उनको नहीं हटाएंगे अपने पार्टी से, तब तक नीतीश कुमार उनकी बात नहीं सुनने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ राजद के नेताओं के द्वारा ही विवाद पैदा किया जा रहा है, जदयू में सब लोग शांत हैं? मुझे यही लगता है, यही कहीं ना कहीं सोच का विषय है। मुझे लगता है कि राजद के लोग नीतीश कुमार के तानाशाही रवैये से परेशान हैं। तो जदयू के लोग नहीं परेशान हैं? जदयू के लोग बिल्कुल परेशान हैं, लेकिन जदयू वाले बोले तो बोले कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, आपन हारल मेहरी के मारल बतावल ना जाला कोई के। सच यही है कि जितना भाजपा के मंत्री परेशान थे नीतीश कुमार के दबाव की वजह से, इनके ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस की वजह से, हर मंत्री परेशान था, वही परेशानी अब ये हो रहा है आरजेडी के लोगों को। किसी को अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग तक करने दे रहे हैं, दबाव लगातार बनाए हुए हैं उन मंत्रियों पर। आप ही बताइए कितना दबाव कोई बर्दाश्त करेगा जी। जब श्याम रजक इनके साथ रह के इस्तीफा दे सकते हैं, जब कई मंत्री सार्वजनिक रूप से आकर बोल सकते हैं कि काम नहीं करने दे रहे हैं, तो जदयू के राजद के मंत्रियों की बेचैनी तो दिखेगी ही ना, और वो दिख रही है। तो नीतीश कह रहे हैं कि विकेट गिराइए, पहले कृषि मंत्री गए, चलिए ठीक है वो तो अपने गलती से गए, फिर आपने जबरदस्ती विकेट ले लिया, गिरा दिया सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह गलत बात क्या कह रहे थे? अगर कोई अपनी कमी निकाल के बोल रहा है कि नहीं हमारे सरकार में कमी, तो गलत क्या है जी? आपको सुनने वाला काने नहीं है, नीतीश कुमार कमी सुनना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए तो पूरे लोग हटा दिए, उपेन कुशवाहा को हटा के दूर भागे हुए हैं। कौन बैठा हुआ साथ में? तो बड़ाई करने वाला पत्रकार पूछ रहा है कि सर ये वाली बात पे ये कमी रह गई यहाँ पे, तो संजय झा क्या कर रहे हैं? पत्रकार को ढकेल के खत्म हो गया, एकदम बेहूदा वाला काम है। और ये बेहूदगी उन्होंने दर्शा दिया, अगर उस पत्रकार की जगह मैं होता तो संजय झा को सिक्योरिटी सहित ढकेल देता जी। आपको हिम्मत कैसी? चमचाइए आप अपने घर में कीजिए, लेकिन किसी पत्रकार को सवाल रोकने से, खासतौर पर जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए तैयार है और पत्रकार सवाल पूछ रहा है, आप बीच में आ रहे हैं, गोली मार रहा है कोई नीतीश जी को। आज जिस दिन नीतीश जी पे गोली चलेगी उस दिन आप बीच में नहीं आइएगा, पता चल जाएगा कि गोली चल रही है तो भागिएगा पहले आप। हो सकता है कहीं कुछ गोलमाल किए होंगे निश्चित तौर पर। अरे जिस जगह पे थे उस जगह किसका है? जदयू को, तो उन्हीं को जिम्मेदारी दी हुई है। अब उनका पोल पट्टी खुल रहा था, बेचैनी धर लिया कि नीतीश जी जान मत जाए, ऐसे उनका पत्ता कटा हुआ है, 24 घंटा चंगू मंगू आगे पीछे घूम रहे हैं, अशोक चौधरी संजय झा, अशोक चौधरी संजय झा, ये दोनों आदमी का गठबंधन नीतीश कुमार समझ रहे हैं। आपकी ललन सिंह और नीतीश कुमार मिलकर दोनों को सेट करने वाले हैं। अगला आरसीपी सिंह, उपेन कुशवाहा, यही दोनों आदमी है। आज तक नीतीश कुमार ने किसी भी करीबी व्यक्ति को छोड़ा है क्या? नहीं, कुर्बानी लेते गए हैं। मान के चलिए, मैंने तो लिस्ट आपको गिनाया था, मैं आपको फिर से एक बार नहीं याद होगा, आपकी लिख के रखे हैं लिस्ट, मैंने पूरा पढ़ के सुनाएंगे जी। सुनिए लिस्ट, बहुत लंबा लिस्ट है। दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह, लालू प्रसाद, मांझी, ताजा में उपेन्द्र कुशवाहा। आपको लगता है कि लिस्ट छोटी है? आपको लगता है इनमें से कोई भी उनसे दूर थे? ये इसके अलावा भी लिस्ट है मेरे पास जी। नरेंद्र सिंह, भीम सिंह, पीके शाही, कहाँ हैं ये लोग? कहाँ ढकेल के भेज दिया? एक समय में बहुत करीब लेके चले थे अपने, आज धीरे धीरे कहाँ दूर कर दिया? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार उस कार्निवोरस की तरह है, कार्निवोरस भी नहीं, इनको अंत क्या कहा जाएगा? एक शब्द है स्वभक्षी, जो अपनी जाति का भक्षण करता है। नीतीश कुमार राजनीति में कैनिबल हैं, अपने जिससे प्यार करते हैं उसी को खा जाते हैं जी, उसी को खा के आज राजनीति में जीवित रहते हैं। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का भी यही हस्त होने वाला है। तेजस्वी भी समझ रहे हैं कि अब ये जो नाव है कागज की तैरने वाली नहीं है। सभी समझ रहे हैं, माजी समझ रहे हैं, लेफ्ट की पार्टियां समझ रही हैं, कांग्रेस समझ रही है, धीरे धीरे आपको ये सब कुछ पटल पुतरता दिखेगा। फिलहाल तेजस्वी यादव को अगर रिश्ता बचा कर रखना है नीतीश कुमार से, तो एक तो विधायक सुधाकर सिंह की छुट्टी तय लग रही है जी, और दूसरा उन पर दबाव पड़ गया है कि एक और मंत्री की छुट्टी करके इनकी जगह किसी और को जो मंत्रालय बदलेगा तो दे दे ऊपर, अदरवाइज संभव नहीं वाला है, वो नहीं वाला है। तो कहीं ना कहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जब बनी है, यानी दोबारा जब तेजस्वी के साथ बनी है, तब से देखिए ये ऐसे भी दागियों में से थे नीतीश कुमार जी, पसंद नहीं, दागी पसंद नहीं करते, हो दाग लग गया उस फल को तुरंत फेंक देते हैं जी।
और तेजस्वी की तरफ से अभी तक जो तीसरे नंबर के जो हैं दो हटाए जा चुके हैं, दोनों पर कहीं ना कहीं दाग लगी हुई थी। एक तरफ जहां सुधाकर सिंह पर कई तरह के केसेस चल रहे थे, 420 जैसी धाराएं लगी हुई थी, और दूसरी तरफ गिरफ्तारी वारंट निकल चुका था कानून मंत्री के खिलाफ। अब इनके खिलाफ नीतीश कुमार वारंट निकाल देंगे, देखने वाली बातें होगी कब तक मुख्यमंत्री फैसला लेते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का अल्टीमेटम भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।